हम जो आपको आज ठीक बता रहे हैं उसमें आपकी क्या पोजीशंस कैसे होनी है, पैर को कैसे करना है और कौन से स्टांस को क्या बोलेंगे, किक कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरा हम आपको बताएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मेरी बॉडी फ्रंट साइड है, हम अपनी बॉडी पहले टर्न करके साइड में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम अपने पैरों की पोजीशन हम आपको बताएंगे। पैरों की पोजीशन में देखिए बेटा, आपका लेफ्ट लेग ये उठ जाएगा, ये हम पंजों पे आ जाएंगे, पंजों के ऊपर पैर की पोजीशन ये हो जाएगी आपके एल शेप में। आपकी जो दूसरे पैर का राइट लेग का आपका ये हिल है, इसके सामने आपका लेफ्ट लेग होगा। अब आइए हाथों की पोजीशन पर। हाथ की पोजीशन, लेफ्ट हैंड देखिए मेरा, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट है, राइट हैंड ये नीचे से इसके ज्वाइंट हो जाता है, ये भी हाथ भी आपका एल शेप में बन जाएगा। इस पोजीशन को हम ओकोसदाची डिस्टेंस बोलते हैं। इस पोजीशन में हम किक और पंच दोनों कर सकते हैं मूविंग करते हुए। अब देखिए बेटा कैसे हम, पहले आपको पंच करके बताएंगे कैसे हम कर रहे हैं। रेडी, वन छिन, टू छिन, थ्री छिन। ऐसे ही अब हम ये राइट साइड से राइट साइड टर्न हो जाएंगे। राइट साइड से कैसे करेंगे वो भी देख लीजिएगा। रेडी, वन छिन, टू छिन। अब देखिए फिर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर आपको किक करके, ये किक आपकी माइग्रेन किक है, स्टमक पर अटैक करेगी। और जो ये पंच चल रहा है, पंच की आप पोजीशन देख लीजिएगा, आपका ये हिस्सा पड़ेगा अपोनेंट की नोज पर, इस जगह पर पड़ेगा। अब इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा किक के साथ। वन छ, टू छ, थ्री छ, चेंज। अब राइट साइड से, राइट साइड से देख लो, राइट साइड से सबसे पहले किक छिन, किक छिन, फिर से एक बार रिपीट, रिपीट करके हम आपको बता रहे हैं। लेफ्ट लेग से लेफ्ट लेग देख लीजिए कैसे है, बना है पूरी पोजीशन कोकोसदाची में, हमें खड़े होना है और किक को हिट करना है स्टमक या चेस्ट पर अपोनेंट के, और पंच को उसकी नोज पर। वन छिन, टू छिन, थ्री छिन। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब आप इसको प्रॉपर सही से देख करके उसके बाद प्रैक्टिस करके अपना वीडियोस हमें सेंड करिएगा। ओके, बाय बेटा।